हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 21 से 30 नवंबर 2020 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही गौर से देखें क्योंकि इसमें टॉप 40 से ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके सभी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? हु हैज रिसेंटली अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ पीस? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हाल ही में किया गया है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर 151 इंच की अष्ट धातु प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राजस्थान के पाली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग द्वारा पंजाब राज्य आइकॉन का किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो दोस्तों, ये है सोनू सूद। सोनू सूद को चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब राज्य का आइकॉन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमन अंडर 17 वर्ल्ड कप हाल ही में किस वर्ष के लिए स्थगित किया गया है? तो दोस्तों, यह 2022 तक के लिए हाल ही में स्थगित किया गया है, जो भारत में होना था वुमन अंडर 17 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने वाला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये बना है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। ये गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने वाला देश बन गया है। दोस्तों, बात आई है यूएई की, तो आपको बता दें इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात होता है। ये आप किसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे। इसकी राजधानी अबू धाबी है, राष्ट्रपति खालिफ बिन जायद अल नहयान है और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गौरक्षा कैबिनेट स्थापित की गई है? तो दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गौरक्षा कैबिनेट स्थापित की गई है। दोस्तों, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो आपको मैप में सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बता दें। देख पा रहे होंगे ये है मध्य प्रदेश, इंडिया के मैप में ये ब्रॉड लोकेशन है मध्य प्रदेश की। बात करें मध्य प्रदेश के गठन की, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। राजधानी भोपाल है, जो गवर्नर है यहाँ की वह आनंदीबेन पटेल है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वह शिवराज सिंह चौहान है, जो भाजपा से हैं। विधानसभा की 230, राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। दोस्तों, कुछ पुरस्कारों की बात करें अगर, तो पुरस्कार में कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर सरस जोशी सम्मान और कुमार गंधर्व सम्मान, ये पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश के। उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़, कान्हा केसली, माधव पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और वन विहार यहाँ के प्रमुख उद्यान है। अगर जलप्रपात की बात की जाए तो चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा, ये जलप्रपात है मध्य प्रदेश के। अगर बांध में बात की जाए तो बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और बरना, ये प्रमुख बांध है मध्य प्रदेश की। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला गीता संग्रहालय किस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में स्थित है, यहाँ पर दुनिया का पहला गीता संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, दुर्लभ गीता पांडुलिपियों का संग्रह किया जाएगा। इसके निर्माणकर्ता गीता ज्ञान संस्थानम है, जिसकी हेड स्वामी ज्ञानानंद है। यानी ये जो संग्रहालय बनाया गया है कुरुक्षेत्र में, वह गीता ज्ञान संस्थानम के द्वारा बनाया गया है। लाइब्रेरी और फूड पार्क भी इस गीता संग्रहालय में बनाया गया है। हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हुआ, ये किस राज्य की पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं? तो ये है गोवा। ये मृदुला सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये गोवा की पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं। आपको बता दें, इनकी एक बुक थी, उसका नाम एक थी रानी ऐसी, ये बहुत फेमस बुक है मृदुला सिन्हा की, जिन्होंने विजय राजे सिंधिया के ऊपर ये बुक लिखी थी। आपको याद रखना है, ये मृदुला सिन्हा जिनका निधन हुआ, गोवा की पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं। दोस्तों, बात आई है गोवा की, तो चलिए आपको मैप में गोवा के बारे में बता। दोस्तों, लोकेशन में आप देख पा रहे होंगे ये है गोवा। गोवा के सिर्फ दो ही जिले हैं, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा है। बात करें यहाँ की स्थापना की, तो 30 मई 1887 को गोवा की स्थापना की गई थी। राजधानी पणजी है, राज्यपाल सतपाल मलिक हैं। सीएम की बात की जाए तो प्रमोद सावंत है, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। आपको बता दें यहाँ के नेशनल पार्क में, तो महावीर स्वामी ये यहाँ का नेशनल पार्क है, कटिजाओ और सलीम अली यहाँ के, ये 3 नेशनल पार्क है। अगर डांस की बात की जाए तो यहाँ के कुंभी फेमस डांस है और नदी में अगर बात की जाए तो ज्वार यहाँ की प्रमुख नदी है। तो आपको इतना गोवा के बारे में याद रखना है। हाल ही में घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है महिला क्रिकेट।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। इससे पहले 1998 में पुरुष टीम खेल चुकी है। क्वालालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों आपको बता दें 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंगहम इंग्लैंड में किया जाना है और इससे पहले 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। दोस्तों अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या है, चलिए इनके बारे में आपको बता दें। तो दोस्तों ये ब्रिटिश एम्पायर गेम्स होते हैं, जो जो ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी रही है वहां पर वो देश इन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। हाल ही में जो देश जुड़ा है वह मालदीव है। 1911 से इंग्लैंड से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई थी। भारत में 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जाने हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी पर कितने रुपए का सिक्का हाल ही में जारी किया गया है। तो दोस्तों 100 रुपए का सिक्का लखनऊ यूनिवर्सिटी पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि 2030 तक वह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन चलाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन चलाना शुरू कर देगा। 10 सूत्रीय ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में लाया गया है, जिसमें 1.18 लाख करोड़ रुपए की यह योजना है। दोस्तों बात आई है ब्रिटेन की, तो आपको मैप में ब्रिटेन के बारे में बता दें। मैप में ये आप देख पा रहे हो, ये लोकेशन है ब्रिटेन की, यानी जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ की जो सम्राट है वह एलिजाबेथ द्वितीय है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और यहाँ की जो मुद्रा है वह पाउंड स्टर्लिंग है। तो आपको इतना यूके या ब्रिटेन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के शीर्ष सुपर कंप्यूटर में परम सिद्धि का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारत के परम सिद्धि का 63वां स्थान है दुनिया के शीर्ष सुपर कंप्यूटर में। आपको बता दें दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। और अगर बात की जाए प्रेजेंट दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो यह है फुगाकू, जो जापान का है। दुनिया का यह वर्तमान का सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया में पहले स्थान पर है। और बात की जाए परम सिद्धि की, जो भारत का है वह 63वें स्थान पर है। लीलावती पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है। तो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक, जो हाल ही में शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें लीलावती पुरस्कार यह सम्मान दिया गया है। फाइनेंस पीयर का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया है। तो दोस्तों रोहित शर्मा को फाइनेंस पीयर का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में चुना गया है। आपको बता दें ICC 2020 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी रोहित शर्मा को चुना गया है। इससे पहले ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया था और अब फाइनेंस पीयर का ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्सल और समर्थ योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हाल ही में राजस्थान में की गई है। यह योजना राजस्थान में लाई गई है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार इसकी थीम थी सतत स्वच्छ और जलवायु परिवर्तन। ये इस बार विश्व शौचालय दिवस की थीम रखी गई थी। अंतर संसदीय यूनियन स्विट्जरलैंड का एक्सटर्नल ऑडिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अंतर संसदीय यूनियन स्विट्जरलैंड का एक्सटर्नल ऑडिटर जनरल चुना गया है। दोस्तों बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये वर्तमान में CAG हैं भारत के। और आपको बता दें इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2020 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट को 2020 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों डगलस स्टुअर्ट का जो उपन्यास है सग्गी बेन, इसके लिए इन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें बुकर पुरस्कार के बारे में, तो दोस्तों यह अवार्ड ब्रिटेन में जो लेखक होते हैं और जो ब्रिटेन में ही लिखते हैं उनके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और पहला अवार्ड 1969 में दिया गया था। आपको बता दें 2019 में मार्गरेट अटवुड को द टेस्ट अमिट्स के लिए यह बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए, इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रुपे कार्ड का दूसरा संस्करण किस देश में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये है भूटान। भूटान में रुपे कार्ड का प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। अब भूटानी नागरिक भी भारत में रुपे कार्ड के द्वारा भुगतान कर सकते हैं।
दोस्तों बात आई है भूटान की, तो आपको मैप में इसके बारे में बताना है। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे भूटान की, ये ब्रॉड मैप है भूटान का। भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहाँ के जो मोनार्च है जिनमें केसर है, और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग है। तो आपको इतना भूटान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 देशों के सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में किया गया, यह इसका कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों यह इसका 15वां संस्करण था G20 देशों का, जो इसका आयोजन हाल ही में सऊदी अरब में किया गया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है, 2023 में G20 देशों का सम्मेलन की बैठक भारत करेगा। 2023 में भारत G20 देशों के सम्मेलन की बैठक करेगा। दोस्तों अब ये ग्रुप का फॉर्मेशन कब किया गया, तो आपको बता दें इसका फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 में किया गया था। इसके कुल 20 मेंबर हैं। आपको बता दें G20 का आयोजन 2019 का ओसाका जापान में किया गया था। 2020 का आयोजन जो किया गया है वह सऊदी अरब में किया गया है। 2021 का इटली में होगा, 2022 का इंडोनेशिया में, और फिर 2023 का भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार 1924 में जॉन लेगी बियर्ड ने किया था। हाल ही में किसी वात्स्यायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक को वात्स्यायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, और इन्हें हाल ही में जो पहले क्वेश्चन भी बता दिया, लीलावती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें वात्स्यायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह ब्रिटेन का एक सम्मान है जो कवि लेखक और कलाकारों को दिया जाता है। रमेश पोखरियाल भी एक बहुत बड़े लेखक हैं और भारत के वर्तमान के शिक्षा मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो दोस्तों ये है आरबीआई। आरबीआई ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला सेंट्रल बैंक बन गया है। 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं, और दोस्तों सेकंड स्थान पर यूएसए का फेडरल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हाल ही में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें सिटमैक्स युद्ध अभ्यास की, यहां पर सिम्बेक्स है और एक और होता है सिटमैक्स, यह भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। तो आपको इन दोनों युद्ध अभ्यास के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड हाल ही में किस वेब सीरीज को दिया गया है? तो दोस्तों दिल्ली क्राइम को यह 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें दिल्ली रेप पर आधारित नेटफ्लिक्स की यह वेब सीरीज है, जिसमें यह अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। इसका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ग्लेंडा जैक्सन, जो यूके की हैं, ग्रैमी एमी अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें एमी अवार्ड की स्थापना 1973 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चक्रवाती तूफान निवार हाल ही में किस राज्य से टकराया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु से चक्रवाती तूफान निवार हाल ही में टकराया है। दोस्तों इसका नाम जो दिया गया है वह ईरान के द्वारा दिया गया है। चलिए कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट या इंपोर्टेंट तूफान की बात करें, तो अम्फान जो हाल ही में 2020 में आया था वह बंगाल की खाड़ी से टकराया था। 2016 में बरधावी तमिलनाडु में ही आया था। निसर्ग जो 2020 में महाराष्ट्र में आया था। गाजा भी तमिलनाडु में आया था। तो ये कुछ मैंने आपको तूफानों के बारे में बताया, आपसे लेटेस्ट के बारे में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई की गाइडलाइन के अनुसार मोबाइल पर कॉल करने के लिए कौन सा नंबर लगाना जरूरी होगा? तो दोस्तों ये नंबर है 0। ट्राई की नई गाइडलाइन के अनुसार अब किसी भी मोबाइल पर फोन करने के लिए आपको 0 नंबर लगाना जारी किया गया है। दोस्तों अब ये ट्राई क्या है, तो आपको चलिए ट्राई के बारे में बता देते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसका फॉर्मेशन 1997 किया गया था, 1997 यानी 1997 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके जो चेयरमैन है वह पीडी बघेला है। तो आपको इतना ट्राई के बारे में याद रखना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के पास देश का सबसे आधुनिक विमान है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास देश का सबसे आधुनिक विमान है, यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। दोस्तों यह विमान 499 यानी 499.5 किलोमीटर पर
आवर की गति से स्पीड है इसकी। इसका नाम सुपर किंग एयर V250 है। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है और इसका यह कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों इसका यह 10वां संस्करण था जिसका आयोजन हाल ही में वर्चुअली किया गया है। 373 फिल्मों का आयोजन या प्रदर्शन इसमें किया गया है और इसका जो दोस्तों आयोजक था वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग त्रिपुरा स्टेट काउंसिल इन दोनों के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां आयोजन किया गया है। दोस्तों इसका आयोजन वर्चुअली किया गया है। संविधान स्थापना दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान स्थापना दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, लेकिन इससे पहले 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार किया जा चुका था। और एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि कुछ जो आर्टिकल है वह 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए थे और फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 को बाकी पूरा संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 2020 का मेजबानी की है? तो दोस्तों ये है मलेशिया। मलेशिया ने हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 2020 की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है? तो ये है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को हाल ही में आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें शशांक मनोहर की जगह अब आईसीसी के नए चेयरमैन ग्रेग बार्कले होंगे। मनोज साहनी वर्तमान के सीईओ है आईसीसी के। और अगर बात की जाए सौरभ गांगुली की तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो आपको इन सभी के बारे में इतना याद रखना है। दोस्तों बात आइए आईसीसी की तो आपको इसके बारे में बता दें, आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। इसका आदर्श वाक्य अच्छे के लिए क्रिकेट यानी क्रिकेट फॉर गुड है। इसका गठन 15 जून 1909 में किया गया था। मुख्यालय दुबई यूएई में है। कुल सदस्य देशों की बात की जाए तो 104 सदस्य देश हैं आईसीसी में। और अगर सीईओ की बात की जाए तो मनु साहनी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ हैं और हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डियागो माराडोना का निधन हुआ या किस देश के फुटबॉल खेलते थे? तो दोस्तों ये अर्जेंटीना से फुटबॉल खेलते थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको इनके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो ये 60 वर्ष इनकी उम्र थी। फीफा वर्ल्ड कप 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोल किए थे और इनका यह पहला मैच था। 21 साल का करियर में इन्होंने कुल 490 गोल किए हैं। तो आपको इनके बारे में याद रखना है, बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल की दुनिया में डियागो माराडोना। वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों इस सम्मान का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। तो दोस्तों आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट ग्वालियर के बारे में बताते हैं। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है ग्वालियर, ग्वालियर की लोकेशन। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में इसे गोपांचल के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश राजस्व और महालेखाकार कार्यालय आबकारी विभाग का मुख्यालय भी ग्वालियर में ही है। मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में ही है। एशिया का प्रथम शारीरिक परीक्षण महाविद्यालय भी ग्वालियर में ही ओपन किया गया है। विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में इसकी स्थापना, दोस्तों 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सोन चिड़िया के लिए घाटीगांव अभयारण्य ग्वालियर में ही स्थित है। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर ग्वालियर में ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य जीवन शैली आधारित पर्यटन हाल ही में किस राज्य, कौन सा राज्य लेकर आया है? तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य जीवन शैली पर आधारित पर्यटन लेकर आया है। दोस्तों ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य। टूरिज्म के साथ योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा केंद्रों के विकास किया जाएगा। पर्यटन हेरिटेज सर्किट प्रस्तावित किया जाएगा। दोस्तों ये जो पर्यटन हेरिटेज सर्किट है वह ग्वालियर, ओरछा, मांडू, चंदेरी, खजुराहो और भीमबेटका तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन या समारोह का आयोजन
जो मुख्य अतिथि थे वह शिवराज सिंह चौहान थे, और इसका आयोजन किया गया था उमरिया में। बन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने की योजना भी इसी के तहत चलाई जा रही है। तो जनजाति सम्मान समारोह के तहत वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने की योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महानायक शंकर सहाय और रघुनाथ सहाय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों ये है जबलपुर। जबलपुर जिले में महानायक शंकर सहाय और रघुनाथ सहाय की भव्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। दोनों स्मारक 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। दोस्तों बात आई है जबलपुर की, तो चलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जबलपुर के बारे में बता देते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। जबलपुर में रूपनाथ में अशोक का एक लघु शिलालेख है। राज्य का पहला नगर निगम भी जबलपुर को ही बनाया गया था। जबलपुर में ग्रामीण विकास संस्थान है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला गांव जबलपुर में ही है। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में ही बनाया गया है। जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया है। जबलपुर को पूर्व में त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। जबलपुर प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर में ही पश्चिम मध्य रेलवे जोन बनाया गया है। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में ही बनाया गया है, जहां पर बहुत से शस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए जबलपुर के बारे में, आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर 2020 में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों 2020 में डॉक्टर हरि सिंह गौर की 151वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है उसके संस्थापक थे, और इनकी यह 151वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सुरंग जो नदी के नीचे से बनेगी यह किस राज्य में बनेगी? तो दोस्तों यह है असम। यह असम राज्य में बनेगी जो नदी के बीचों बीच या उसके नीचे से बनाई जाएगी। यह जो सुरंग है वह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी, 4 लेन वाली सड़क जिसमें सुरंग बनाई जाएगी। असम के गोधुर से नलीगढ़ के बीच यह सुरंग बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है, ये आपको इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों भारत की जो वर्तमान क्षमता है अक्षय ऊर्जा की वह 136 गीगावाट है। पिछले 6 सालों में इसने 2.5% की वृद्धि दर्ज की है। अक्षय ऊर्जा में भारत 4th स्थान पर मौजूद है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किस शब्द को चुना गया है? तो दोस्तों कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर के लिए क्वारंटीन क्वारंटीन को चुना गया है। जो 2020 का सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है वह कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है, जिसका नाम है क्वारंटीन। दोस्तों इसी के द्वारा यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2019 में जो वर्ड चुना गया था वह क्लाइमेट इमरजेंसी था। कॉलिंग्स डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों कॉलिंग्स डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। 93वें ऑस्कर अवार्ड में भेजी गई भारतीय शॉर्ट फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय शॉर्ट फिल्म है शेमलेस, जो 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई है। दोस्तों अब ये ऑस्कर अवार्ड होते क्या है, चलिए इनके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनको प्रेजेंट करता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंस। दोस्तों जो 2020 का जो आयोजन था वह 2021 में अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। पहला अवार्ड ऑस्कर का 1929 में दिया गया था। दोस्तों 2019 का, 2020 में तो चूंकि आयोजन हुआ नहीं है, तो 2019 का जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड था वह जोकिन फिनिक्स को जोकर फिल्म के लिए दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2019 के लिए रेंजी जेलवेगर को, जो जूड़ी फिल्म की एक्ट्रेस थी, उन्हें दिया गया है। और बेस्ट फिल्म ऑस्कर के लिए 2019 की जो चुनी गई थी वह पैरासाइट है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए ऑस्कर अवार्ड के बारे में, आपको याद रखना है। और इसका जो 93वां संस्करण का आयोजन है वह 2021 में किया जाएगा।
भारत मालदीव श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर कौन सी बैठक का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच, मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर यह इनकी दूसरी बैठक है। तो आपको इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, भारत मालदीव श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर यह दूसरी बैठक है। पहली बैठक 2014 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। सांची महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस जिले में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है रायसेन। रायसेन में सांची महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है। दोस्तों, बात आई है रायसेन की, तो चलिए आपको मैप में रायसेन की लोकेशन के बारे में बता देते हैं। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये रायसेन की लोकेशन मध्य प्रदेश की मैप में। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट अब रायसेन के बारे में जानते हैं। तो पहला है, विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप और भीम बेटिका की गुफाएं, जो विश्व का सबसे बड़ा शैलास्त्र समूह है, यह रायसेन में ही स्थित है। भोजपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है, जो कि रायसेन में ही है। मंडीदीप में देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना लगाया गया था, जो कि रायसेन में है। रातापानी अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित है, यह भी रायसेन में ही स्थित है। राजा रोहित महल, ये भी रायसेन में ही स्थित है। ग्रेफाइट में एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री रायसेन में ही लगाई गई है। मृगेंद्र नाथ गुफाएं भी रायसेन में ही स्थित हैं। आचार्य रजनीश, जिसे हम ओशो के नाम से जानते हैं, इनका जन्म भी रायसेन के कुचवाड़ा जिले में हुआ था। तो दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे रायसेन के बारे में, आपको याद रखना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की 21 से 30 नवंबर 2020 के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब का, तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तभी, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करवाने की, क्योंकि दोस्तों मेहनत भी बहुत लगती है वीडियो बनाने में। इसके अलावा मैं आपको जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी पूरे बताता हूँ, मध्य प्रदेश के बारे में भी, ओवरऑल इंडिया के बारे में भी। तो ये दोस्तों वीडियो आपको शेयर करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपको बनता है। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। उसके अलावा ये जीमेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।